Hey y'all, come look at this. ये भगवान क्या जुलूम है। तो रुको जरा, सबर करो। बेटे बेटे अबे बेटा मौज कर दी। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं विलन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वाली वीडियो भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक रहने वाली है, क्योंकि लास्ट में दो बंदों के बीच में मैं घिर जाता हूँ। एक लेफ्ट में होता है एंड एक राइट में। भाई मैं बिल्कुल सैंडविच हो जाता हूँ, और वहाँ पर भाई कैसे सर्वाइव करते हैं एंड किस तरीके से चिकन निकालने वाला हूँ इस वाले गेम में, वीडियो को मैं तो यार शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। एंड फिलहाल तो बात करते हैं यहाँ पर इस वाले गेम की। तो फिलहाल तो यहाँ पर उतरा था मैं अपने मेन वाले कंपाउंड पे, और मेरे साथ एक बंदा भी उतर जाता है। तो यार फिलहाल तो अभी सीजन आया ही आया है, तो यार इतनी खास लॉबी कुछ आ नहीं रही है, और भाई एक दो दिन बाद भाई ऐसी ऐसी लॉबी आने लग जाएंगी, मतलब भाई 50-50 बंदे अलाइव रहने वाले हैं। तो फिलहाल तो भाई तुमको बिल्कुल एग्रेसिव रहना है, क्योंकि अगर तुम एग्रेसिव नहीं रहोगे तो तुम भाई वहां पर किल हो सकते हो। जैसे कि यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर मरता तो यहां पर मेरा माइनस हो सकता था, बट भाई यहां पर मैं एग्रेसिव रहता हूं एंड इस वाले बंदे को बड़े इजीली फिनिश कर देते हैं। और उसके बाद तो यहाँ पर मेरे राइट साइड में यूएस खड़ी होती है, तो यहाँ पर मैं इस वाली यूएस को लेकर चला जाता हूँ दूसरे वाले कंपाउंड को लूटने के लिए एंड यहाँ पे अपनी बेसिक सी लूटपाट करता रहता हूँ। और भाई यहाँ पर मैं वो तितली सी ढूंढ रहा था, बट यार अभी के लिए तो वो मेरे को मिलती है नहीं। एंड यहाँ पर मैं मैक रेलन चेंज करता हूँ, और उतने में मेरे को पीछे साइड में एक बॉट दिख जाता है। एंड यार इस वाले बॉट को भी इजीली फिनिश कर देते हैं, और उसके बाद तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ। और भाई यहाँ पर जाता हूँ मैं शॉपिंग के पास में, जो कंपाउंड होता है उसको लूटने के लिए, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक बंदा होता है। एंड यार फिलहाल तो इस वाले बंदे को भी इजीली फिनिश कर देते हैं। अब मेरे को इस वाले बंदे से भी नहीं मिलती है वो मछली सी, एंड जब तक वो मेरे को मछली सी नहीं मिलती है भाई मैं बिल्कुल भी ऊपर जाने वाला हूँ नहीं। अब मैं आता हूँ इस वाले, पता नहीं इसको क्या बोलूँ भाई, एंड यहाँ पर मेरे को ईजिली मिल जाती है ये मछली सी। एंड भाई इसके बिना तुमको बिल्कुल भी ऊपर जाना है नहीं, तब तक तुमको ये नहीं मिलती है भाई तुमको बिल्कुल ऊपर जाना नहीं है। और जब तुमको ये मिल जाती है तो भाई तुम ऊपर जा सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पर तुम किल हो जाते हो तो भाई तुम ईजिली रिकॉइल हो जाओगे, तो यहाँ पर तुमको समझ आ गया होगा। एंड यार फिलहाल तो यार यहाँ पर मैं ऊपर उड़ने के लिए जा ही रहा था, तब यार मेरे को बीच में एक ड्रॉप दिख जाए, एंड जैसे मैं इस वाले ड्रॉप को लूटने के लिए आता हूं तो यहां पर ऑलरेडी बंदे होते हैं। और यार फिलहाल तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये ड्रॉप तो ऑलरेडी लूटेड होता है, और जिस बंदे ने ये ड्रॉप को लूटा था उस वाले बंदे को मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। एंड उसके बाद तो यहाँ पर एक और बंदा आता है बग लेकर, उसको भी इजीली फिनिश कर देते हैं। एंड फिलहाल तो यहाँ पर एक और बॉट आ जाता है, एंड जैसे मैं इस वाले बॉट पर फाइल ले रहा था तब यार राइट साइड में मेरे एक और डासी आ जाती है। एंड यहाँ पर मैं भाई ज़्यादा किल का लालच करता हूँ नहीं, इस वाले बॉट को किल करके इधर से निकल लेता हूँ, क्योंकि अगर डासिया वाले बंदे ने मेरे को यहाँ पर किल कर दिया तो यहाँ पर प्लस के नाम पर घंटा मिलने वाला है मेरे को। तो यार इसीलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और भाई चला जाता हूँ डायरेक्ट ऊपर उड़ने के लिए। और भाई जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा कैंपिंग कर रहा था, वो तो भाई मेरा यहाँ पर लक ठीक था कि यहाँ पर मैं भाई बाल बाल बच जाता हूँ, वो बंदा थोड़ा सा लेट हो जाता है एंड उतने में तो यहाँ से मैं उड़ जाता हूँ। और भाई यहाँ पर उड़ने से कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है, सिर्फ मेरे को ऊपर एक ही किल मिलता है एंड उसके बाद तो यहाँ पर मैं ऊपर किल हो जाऊँगा।
अब यार फिलहाल तो जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक बंदे के फुट स्टेप आ जाते हैं और इस वाले बंदे को तो इजीली फिनिश कर देते हैं। और जैसा कि यार यहाँ पर मैं एक गलती कर देता हूँ, अब मेरे को ये कहीं पर ना कहीं पर तो कैंपिंग करना चाहिए थी, जैसे कि यहाँ पर यह बंदा कर रहा था। और भाई ये बंदा मेरे को कोई मौका ही नहीं देता है अपने ऊपर फाइल लेने का, तो यहाँ पर ये बंदा कैंपिंग कर रहा होता है तो ये हमको इजीली फिनिश कर देता है। खैर उसके बाद तो यहाँ पर मेरे पे एक रिकॉइल का ऑप्शन भी था, तो यार यहाँ पर तो मैं इजीली रिकॉइल हो जाता हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर से लैंड करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को नीचे की तरफ में एक ड्रॉप दिख जाता है, एंड यहाँ पर अभी के लिए तो मेरे को अच्छी खासी गन मिलने वाली है। एंड जैसे मैं इस वाले ड्रॉप को लूटता हूँ तो यहाँ पर एक बग्गी आ जाती है। अब यार यहाँ पर तो ये वाला बंदा भी भाई इस वाले ड्रॉप को लूटने के लिए आया था, लेकिन यार यहाँ पर तो ये वाला ड्रॉप मैंने ऑलरेडी लूट लिया था तो इस वाले बंदे को मारने में कोई दिक्कत होती नहीं है। एंड जैसे मैं इस वाले बंदे की करेट वरेट लूट रहा था तब यहाँ पर एक और बग्गी आ जाती है। अब इस वाले बंदे को भाई मैं जो ही मारने वाला हूँ ना ग्रोज़ अप प्लस 3x, तो भाई अगर तुमको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना मत करना बट सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अच्छा लगे तो देखो एक बार ये वाला स्प्रे। अब यार अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब कर देना, एंड फिलहाल तो आई होप सो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब ये वाला बंदा देखो भाई, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब यार सीजन को आए को सही से 2 दिन हुए नहीं है, बट भाई ये बंदा देखो अभी से भाई इतनी खतरनाक कैंपिंग कर रहा था, मतलब क्या था ये। बट ये वाला बंदा यहाँ पर मेरे को स्पॉट हो जाता है एंड इसको इजीली फिनिश कर देते हैं। और उसके बाद तो यहाँ पर बना था सर्कल मिलिट्री वे साइड का, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। और भाई यहाँ पर मैं जैसे होल्ड कर रहा था ना तब यार यहाँ पर एक मैकरेलन आने वाली है और मैं इस बंदे को जो ही किल करूंगा देखो। अब अगर ये वाला स्प्रे अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, कर दो यार इतना क्यों की बात है, कर दो सब्सक्राइब मेरे को भी अच्छा लगेगा। एंड फिलहाल तो यार यहाँ पर मैं होल्ड कर ही रहा था, लेकिन यार यहाँ पर नेक्स्ट सर्कल जो था वो अभी के लिए शिफ्ट हो चुका था एंड फिलहाल के तो मेरे को सर्कल में जाना था। अब यार देखो अगर तुम मेरा गेम प्ले देखते हो तो भाई मैं तुमको टिप विप तो देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि यार टिप विप होता है एक बकचोदी और मेरे को ये सही नहीं लगता बकचोदी करना। तो भाई मैं तो आपको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि भाई तुम गेम प्ले से जज करो, अगर जैसा बंदा खेला है तुम ऐसा ही खेलने का ट्राई करो, बंदे के गेम से तुमको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर भाई टिप वेब को फॉलो करो, मेरे को नहीं लगता कि टिप वेब से कुछ होगा, तो तुम बंदे का गेम प्ले देखो एंड उससे जज करो कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यार वहां पर तुमको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। एंड फिलहाल के लिए तो यहाँ पर मेरे को एक डासिया दिखती है एंड मैं इस वाले डासिया पे फाइल लेता हूँ, तो उसको तो सिर्फ एक हेड शॉट ही लगता है एंड वो वाला बंदा यहाँ पर बच जाता है। एंड उसके बाद तो आ जाता हूँ मैं डायरेक्ट सेंटर में, खैर यार इसको सेंटर तो नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर थोड़े से मैं एज पर आ जाता हूँ। बट भाई यहाँ पर जो सर्कल अब मेरा साथ देने वाला है ना बिल्कुल एंड साथ देने वाला है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब यार जैसे यहाँ पर मैं होल्ड कर रहा था तो लेफ्ट साइड में एक बग्गी आ जाती है एंड राइट साइड में भी एक बग्गी आ जाती है। और भाई यहाँ पर देखो मैं बिल्कुल बीच में फंस जाता हूँ दोनों बंदों के। अब यार फिलहाल तो जो लेफ्ट वाला बंदा था उस पर मैं एक ग्रेनेड करता हूँ और वो वाला बंदा तो यहाँ पर ग्रेनेड से फिनिश हो जाता है। एंड भाई उतने में यार राइट साइड में एक और बंदा आ जाता है और ये बंदा बग्गी से गिरकर ही फिनिश हो जाता है, तो यहाँ पर अपने को इजीली चिकन मिल चुका था। तो फिलहाल यार कैसे लगा गेम प्ले एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड फिलहाल तो गाइस यही था आज वाली वीडियो में, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।